जय जोहार, जय श्री राम। सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो मेरे तरफ से सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि वन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं पहुंच गया हूं बेमेदरा। इस महाशिवरात्रि पे चौथा व्रत है जो यहां पे भोले बाबा की बारात निकाली जाती है। और ये मेरा पहला सार है जो मैं सम्मिलित हो रहा हूं। और मैं अभी माता भद्रकाली के प्रांगण में पहुँच चुका हूँ। यहीं से भोले बाबा की बारात निकलेगी और काफ़ी अच्छा माहौल होने वाला है ऐसा अभी लग रहा है। आपको मैं अभी यहाँ की तैयारी दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पे धुमाल सेटअप लगा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे डीजे सेटअप लगा है। साथ ही में उत्तर प्रदेश की खास झांकी है, मैं आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहे, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे माहौल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में देखिए विशाल धुमाल ग्रुप है जो कि बिलासपुर का धुमाल है। काफ़ी बढ़िया सेटअप है, ये चलेगा भोले बाबा की बारात में। देख लीजिए काफ़ी अच्छा माहौल बनने वाला है। और ये है जय श्री राम कीर्तन ग्रुप, इनका भी अपना अलग ही माहौल बनने वाला है, देख लीजिए। और अभी इनका सेटअप लग चुका है, पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। अभी कुछ ही देर में अभी बारात निकलने वाली है। और ये देखिए भोले बाबा आ चुके हैं, महादेव। ये देखिए यहाँ पे रथ में भोले बाबा और माता पार्वती के रूप में बैठे हुए हैं। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सुंदर सा, देख लीजिए जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, बहुत ही बढ़िया माहौल बनेगा। और अभी आगे चल के आपको मैं डीजे सेटअप भी दिखाता हूँ। चलिए ये देखो भाई साहब, जो झांकी निकलने वाला है उत्तर प्रदेश का खास झांकी, उनकी भी तैयारी चल रही है, देख लीजिए बहुत ही बढ़िया। उनकी भी अभी तैयारी चल रही है, ये भी पूरे भोले बाबा की बारात में सम्मिलित होंगे। ये झांकी उत्तर प्रदेश की बहुत ही खास झांकी है और काफ़ी अच्छी प्रस्तुति रहती है इनकी। और इनकी भी तैयारी हो चुकी है और अभी बारात में काफ़ी अच्छा माहौल होने वाला है। और देख लीजिए अभी से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भक्त जन यहाँ पे भोले बाबा की बारात में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी माहौल, अभी बारात स्टार्ट हुआ नहीं है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी माहौल बन चुका है। और ये देखिए यहाँ पे है डीजे खिलेश जो कि बेमेतरा का ही डीजे है, ये भी सेटअप अपने अभी भोले बाबा के बारात में चलने वाला है। इनकी भी तैयारी हो चुकी है, आपको मैं इस सेटअप को अभी सामने से चल के दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा सेटअप है इनका भी। वैसे मैं तो डीजे खिलेश को और इससे पहले कभी सुना नहीं हूँ, अगर आप लोग सुने होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं इनका सेटअप कैसा। चलिए सामने से दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई डीजे खिलेश बेमेतरा का सेटअप कुछ इस तरीके से है, 12 बेस के साथ में 22 सार्फी है, काफ़ी अच्छा है। और लेज़र भी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा सेटअप है। ये भी अभी भोले बाबा की बारात में चलने वाला है। और ये है माता भद्रकाली का मंदिर, यहीं से बारात निकलेगी। अब चलिए बारात जैसे ही स्टार्ट होता है वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चल चुकी है भोले बाबा की बारात और चलिए जो डीजे सेटअप है उसको भी आपको मैं दिखाता हूँ। वो भी स्टार्ट हो चुका है, जो खिलेश डीजे लगा है। महादेव पूरा पब्लिक झूमना चाहिए। Thank you.
काफी ज्यादा भीड़ हो चुका है अभी। दोस्तों भोले बाबा की बारात निकल चुकी है और सामने में है, देख लीजिए एक कीर्तन वाले, सामने में एक कीर्तन वाले हैं, यही आगे आगे जा रहे हैं भोले बाबा की बारात में। और बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया हुआ शिवलिंग है, उसके बाद में देख लीजिए काफी सुंदर है। उसके बाद यहाँ पे रथ में भोले बाबा का शिवलिंग है जिसका हवन पूजन किया गया है, वो सामने में है, देख सकते हैं आप। काफी बढ़िया बारात निकला है। मैं निमित्त में पहली बार भोले बाबा की बारात में शामिल हो रहा हूँ। ये चौथा वर्ष है जो महाशिवरात्रि के पर्व में भोले बाबा की बारात निकल रही है। और ये रहा विशाल धुमाल ग्रुप, यहाँ पे है दुलदुल, घोड़ी और मोर डांस वाले, ये देखिए। रिदम स्टार ग्रुप, दुलदुल, घोड़ी और मोर डांस जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। काफी बढ़िया माहौल यहाँ पे बन चुका है, देख लीजिए। चलिए आपको और आगे चल के दिखाता हूँ। अभी तो आगे और भी सेटअप है, डीजे सेटअप है, झांकी वाले हैं, ये वाली गाड़ी में शायद तक झांकी वाले हैं। झांकी भी निकला था और घोड़ी और मयूर नाच भी यहाँ पे हो रहा था, सामने कीर्तन चल रहा है सबसे सामने बारात के, और काफ़ी अच्छा माहौल बना था और अभी भी माहौल कंटिन्यू बना है। अभी लगभग 1.5 घंटा और चलेगा, पूरा नगर भ्रमण रहेगा। तो ये भोले बाबा की बारात वाली वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको फिर से इसी तरीके के नए वीडियो के साथ।